In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students, Tahir here. Today I will teach you the exercise of lesson number 3, the day tsunami struck of class 5th. So we have first understanding the story. In understanding the story, we have, as in previous lessons, MCQs, fill in the blanks, true, false and question answer also. So open your books, page number 34 and 35. First 34, then I will move to 35. Jaya's mother screamed to her children to run to the death. Jaya ki jo mother thi, wo kyun chilla rahi thi, apne bachon ko kyun keh rahi thi, bhago, kis tarah bhago. Run to the hospital. Wahan pa hospital jane ke liye keh rahi thi unhe bhago. When Jaya returned to see why her mother was screaming, what did she see? Turned to see. Jab Jaya ne peeche mudkar dekha ki unki maa jo hai, वो क्यों चिल्ला रही है कि तुम लोग चलो भागो भागो. जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या था. When Jaya turned back, she saw a huge wave coming towards them. एक बहुत बड़ी लहर जो है उनके पास जो है आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उन्हें भागने के लिए कह रही थी. Shamily D. Silva left her children. ये उनकी अम्मी का नाम है जया की. Shamily D. Silva, वो उनको कहाँ छोड़कर आई. इन अ रूम इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो कमरा था वहां पर. ऑन द टेरिस ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो टेरिस था वहां पर. एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल, जहां से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं वहां पर. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, टेल मी स्टूडेंट्स प्लीज. यस, ऑप्शन बी, ऑन द टेरिस ऑफ द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का टेरिस था वहां छोड़ दिया था. नाउ पेज नंबर 35. Where did Jaya's mother go after leaving her children? अपने बच्चों को छोड़ने के बाद जया की माँ ने क्या किया. Jaya's mother went after leaving her children to save their grandfather. उनके दादा अबू को बचाने के लिए वो गई थी वापस. While standing on the terrace, Jaya was shivering because terrace पर जब खड़े थे जो जया बहुत ज्यादा कांप रही थी. क्यों. She was fully wet, वो बहुत गीली हो चुकी थी. She was too frightened, बहुत खौफज़दा थी. Both A and B. So what is the right answer? Yes, both A and B right option is option C. Why did Shamily find it difficult to take grandfather to hospital? जो grandfather उनके दादा अबू थे जया बनु के, उन्हें लेकर Shamily जो है उसे क्यों महसूस हो रहा था कि उन्हें hospital लेकर जाना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है. Their grandfather was very heavy. And he cannot move himself or he cannot face that situation. That's why she is dragging the grandfather to the hospital. बेटा वो दादा अबू का जो वेट था वो बहुत जो है बता ज्यादा था और वो इस सिचुएशन को जो है हैंडल नहीं कर पा रहे थे. वो नहीं भाग सकते थे क्योंकि वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे. इस वजह से उसे जया की अम्मा जो है वो उसे पकड़कर घसीटकर लेकर जा रही थी कभी बाजुओं से, तो अगर जब थक जाती तो फिर उसे साथ साथ घसीटने लगती अपनी. What was grandfather trying to tell Shamily? Grandfather told that leave him alone here, he will face this, but save your life, Shamily please. But Shamily did not obey his saying or his command. दादा अबू ये कह रहे थे कि आप मुझे यहाँ छोड़कर चली जाओ, अपनी जिंदगी बचाओ, मेरी जिंदगी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी. What qualities did Shamily exhibit in her attempt to save her family? कौन सी खूबियां ऐसी Shamily में दिखाई गई हैं जिससे उसने अपनी फैमिली को बचाया. Discuss in pairs and list as many as you can do. आपने क्या करना है बेटा, उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको नंबरिंग देकर लिखना है. लाइक कॉन्फिडेंट, ब्रेव, जो भी आपको मिले क्वालिटीज वो आपने लिखनी है. इट्स योर होम टास्क. व्हाट मिरेकल डिड जया एंड मलिंडा सी व्हेन द 16 फुट वेव कैम डाउन. वो कौन सा मौजजा जया ने मलिंडा ने देखा कि वो जो 16 फुट जो ऊंची लहर आ रही थी जब वो थम गई तो क्या उन्होंने मौजजा देखा, ये भी आपने बताने हमें. Why will 26 December 2014 be a special for Jaya? Jaya के लिए ये 24 दिसंबर का दिन जो है, 26 दिसंबर 2004 का दिन क्यों ज्यादा खास है?
अब हमारे पास है लर्निंग वर्ड्स। लर्निंग वर्ड्स पेज नंबर 35 पर है। ये पिक्चर्स दी हैं और ये बॉक्स दिया हुआ है। चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच डिस्क्राइब देयर वेदर बेस्ट इन द पिक्चर्स बिलो एंड राइट देम इन एप्रोप्रिएट कॉलम। पावरफुल ब्यूटीफुल बेटा इस तरीके से आपने बताना है कि कौन सी पिक्चर में कौन से वर्ड आएंगे वो अच्छे से वेदर कंडीशन को डिफाइन करेंगे। इट्स योर होम टास्क, डू इट एट ऑन पेज नंबर 35। नाउ वी हैव स्पेलिंग हॉस्पिटल और मार्बल। दोनों की जो एंड वाली प्रोनंसिएशन है वो सेम है। हॉस्पिटल मार्बल। हॉस्पिटल ए एल पर खत्म हो रहा है लेकिन मार्बल किस पर खत्म हो रहा है? ई एल पर। तो काफी लफ्ज ऐसे होते हैं बेटा ए एल और ई एल पर खत्म होते हैं लेकिन सेम वाली सेम प्रोनंसिएशन होती है उनकी। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है कि कहां पर ए एल आएगा कहां पर ई एल आएगा पेज नंबर 36 पर। अब हमारे पास है बेटा पेज नंबर 36 पर एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब किसे कहते हैं? विच मॉडिफाइज वर्ब एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। यानी कि जो वर्ब के साथ मिलकर काम करे एडवर्ब के साथ मिलकर काम करे और एडजेक्टिव के साथ मिलकर काम करे। तो एडवर्ब की हम एक टाइप आज पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है बेटा? मैनर से आपको पता चल रहा होगा कि काम करने का तरीका बताते हैं। एज लाइक मैं बोल रहा हूं तो किस तरीके से, स्लोली या लाउडली, खा रहा हूं तो किस तरीके से, किसी से बात कर रहा हूं तो किस तरीके से, या कार ड्राइव कर रहा हूं तो कैसे, इस तरीके से। मतलब जो हमें मैनर के बारे में बताया हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। सो बेटा आपने क्या करना है पेज नंबर 37 पर अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस दिए हैं 6, आपको इसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड करना है। कोई सेंटेंस नंबर 1 है द स्टूडेंट्स रीड क्लियरली। अब बेटा इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? क्लियरली। शागिर्दों ने जो या तालबे इल्मों ने जो पढ़ा वो बहुत वाज़े तौर पर पढ़ा, सही है। अब बाकी के रिमेनिंग 5 आपने खुद करने। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स इन द बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू। प्लेजेंटली, होपफुली, अनयूजली, क्विकली, लकीली, फूलिशली। ये वर्ब्स हैं, इनको हमने, ये क्या है बेटा? एडवर्ब्स हैं, इनको हमने लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज व्हेन मिसेस ब्राउन फाउंड द बुकेट ऑफ फ्लावर्स ऑन हर डोरस्टेप शी वाज प्रेजेंटली सरप्राइज्ड। जब मिसेस ब्राउन को एक फूलों का गुलदस्ता उनके दरवाजे पर मिला तो वो देखकर बहुत खुश हो गई। अब शी तक था बाकी वाज प्रेजेंटली सरप्राइज्ड, ये हमने खुद लिखा। आपने क्या करना है, ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए बॉक्स में वो एडवर्ब है उनको लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। उसके बाद है बेटा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एडवर्बियल फॉर्म। ये हमारे पास पेज नंबर 38 और 39 पर है। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू विथ योर वर्क। आप बेटा क्या करना है, एडवर्बियल फॉर्म में लिखा आई विल ग्लैडली हेल्प यू, कि मुझे खुशी होगी तुम्हारे काम में मदद करकर। तो बाकी सेंटेंस भी हमें इसी तरीके से बनाने हैं। शी रिमूव द स्प्लिंटर्स विद केयर, सही है। क्या होगा? शी केयरफुली रिमूव द स्प्लिंटर्स। इस तरीके से आपने जो है बेटा एडवर्ब्स लगाकर इन सेंटेंसेस को जो है वो चेंज करना है या सेंटेंस कंप्लीट करना है। ये भी आप लोगों की होम टास्क है, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। अगर ना आए तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। नाउ वी हैव लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या दिया बेटा? इमेजिन यू आर इन अ कोस्टल एरिया वेयर टाउन हैज बीन हिट बाय फ्लड। आप एक ऐसे साहिली इलाके में हैं जहां पर सैलाब आ गया। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड राइट डाउन हाउ पीपल्स लाइफ हैव बीन अफेक्टेड ईच ऑफ द एरियाज स्पेसिफाइड इन द टेबल वन हैज डन फॉर यू। यानी कि आपने बताने के लोगों को किन किन नुकसान का सामना करना पड़ा। पहली उन्होंने एग्जाम्पल दिया है फूड के बारे में, नो शॉप्स टू बाय फूड, कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जहां से गिजा खरीद सकें। वाटर सीप इन टू ऑल शॉप्स एंड स्पॉइल्ड द फूड ग्रेन्स। पानी सारी दुकानों में दाखिल हो गया, सारी की सारी जो है दाना वगैरह सब खराब कर दिया। क्रॉप्स इन द फील्ड डिस्ट्रॉयड, खेतों में जो फसलें थी वो तबाह हो गई।
अब शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में आपने बताना है अपने पार्टनर को। आप सोच क्या आपके ख्याल में क्या हो सकता है वो आपने ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में या बुलेट्स में लिखकर हमें बताना है। आप कह रहे हैं नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल अराउंड यू एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड्स एंड व्हाट विश यू कुड बी डन टू हेल्प टू द पीपल यू मे गिवन बिगिन लाइक दिस। बेटा एक लेटर कह रहे हैं कि आपने अपने दोस्त को लिखना है और ये बताना है कि सैलाब की वजह से जो आपके इलाके के लोग हैं वो किस तरीके से मुतासिर हुए हैं, उसके मतलब सैलाब का क्या नतीजा निकला है, लोगों की जिंदगी पर क्या असरात पड़े, वो खत लिखना है किस तरीके से लिखना है, उसकी बिगनिंग यहाँ पर दी है। यू हैव यू मे हैव सीन ऑन द टीवी माय टाउन वाज रिसेंटली हिट बाय फ्लड्स। आपने मौजूदा वक्त में ही टीवी पर देखा होगा कि हमारा जो कस्बा है वहां पर सैलाब आया था विच हैज ऑलरेडी टेकन हंड्रेड ऑफ लाइफ एंड अफेक्टेड सो मेनी थिंग्स, इसने काफी लोगों की जान ले ली है और बहुत ज्यादा लोग इससे मुतासिर हुए। इट इज सैडेंस मी टू सी, और ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अब आपने ये लेटर कंप्लीट करना है और इसे अपने बर्डिंग में लिखना है आपने। इफ यू हैव यू कैन टेक हेल्प विद योर ब्रदर्स फ्रॉम योर ब्रदर सिस्टर मदर और इवन योर ट्यूशन टीचर, सो बट डू इट विथ योर सेल्फ। इफ यू विल राइट योर सेल्फ सो डेफिनेटली यू फाइंड इम्प्रूव इन योर सेल्फ, you find some betterment or we can say that you feel good when you write this letter yourself. Okay, take care, Allah Hafiz, we will meet with next lecture, the sense of deed. Till then, take care.